जोंगकुक और जिमिन बहुत देर से ताइको ढूंढ रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि एक अनजान लड़का ताइको बहुत टाइटली हग करके खड़ा हुआ है, और ताई भी उसे बहुत टाइटली हग कर रही थी। ताई उस लड़के की दोनों गाल पर बहुत प्यार से पिंच कर रही थी, और ये देखने के बाद जोंगकुक और जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उन दोनों को बहुत ज्यादा जेलासी भी फील हो रहा था। और फिर वो अनजान लड़का अचानक से ताई को बोलने लगा, हबी ओ माय ताई बेबी, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, आई मिस यू सो मच, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? और ये सुनने के बाद ताई बहुत ज्यादा शर्माया, और उसने बोला, ताई आई मिस यू टू। ताई ने नोटिस नहीं किया कि कब जोंगकुक और जिमिन आकर उसके पीछे खड़ा हुआ है। जे हो, ताई तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, क्या तुम मुझे पटाना चाहते हो? हाँ, मैं तो पहले से ही पटा हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद ताई बहुत जोर जोर से हंसने लगी, और ये देखकर जोंगकुक और जिमिन आपस में बोलने लगे, जोंगकुक क्या तू इसे जानता है? जिमिन नहीं, क्या तू जानता है? जोंगकुक नहीं, हम दोनों ही इस लड़के को नहीं जानते। और ताइको उस लड़के के साथ इतना ज्यादा क्लोज देखने के बाद जोंगकुक अपने मन में ही सोचने लगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, वो मेरे सामने मेरी बीबी को हक कर रहा है, और वो भी इतनी टाइटली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ताई बेबी तुम भी रेडी हो जाओ फॉर योर हार्ट पनिशमेंट, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तो मैं तुम्हें डबल पनिशमेंट दूंगा। जे हो बेबी, ताई प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप फाइटिंग विथ मी। तो तभी जिमिन ने कहा, ताई हुई जी, और अचानक से ताई पीछे मुड़कर देखा कि जोंगकुक और जिमिन पहले से ही वहां पर खड़ा हुआ है, और ये देखने के बाद ताई ने जल्दी से हबी को छोड़ दिया और खुद से अलग कर दिया। और तब ताई ने नर्वसली स्माइल करते हुए कहा, ताई मिस्टर पार्क, ये है मेरी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड हॉबी, हम दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े थे, और अब हम एक कॉलेज में भी पढ़ते हैं। और ये सुनने के बाद जोंगकुक अपने मन में बोलने लगा, जोंगकुक अब तो मैं तुम्हारी कॉलेज चेंज करके रहूंगा, मैं तुम्हें उस कॉलेज में दोबारा नहीं भेजूंगा। जोंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से से ताई की तरफ देख रहा था, और तभी ताई ने बोला, हॉबी ही इज माई बॉस। हॉबी, ओ तो तुम हो वो खड़ूस बॉस, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम हमेशा मेरी क्यूट और ब्यूटीफुल ताई को हमेशा रुलाते रहते हो, यू आर वेरी रूथलेस, आई हेट यू। जोंगकुक, व्हाट यू? और ये सुनने के बाद जिमिन बहुत जोर जोर से हंसने लगा, ताई हॉबी प्लीज स्टॉप, हॉबी ओके बेबी। और ये सुनने के बाद जोंगकुक और जिमिन ने बोला, हे स्टॉप इट, उसे बेबी बोलना बंद करो। और ये सुनने के बाद हॉबी जोंगकुक और जिमिन को और भी ज्यादा टीज करने लगा, हॉबी बेबी तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जिमिन और जोंगकुक फिर से, ताई हॉबी प्लीज स्टॉप, स्टॉप फ्लर्टिंग विथ मी। हॉबी ओके बेबी, ताई हॉबी ये है जिमिन मेरी बॉस की बेस्ट फ्रेंड। हॉबी ओ तो वो तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गए हो फिर भी तुमने ताई को यहाँ लेकर आया है, हाँ खुद के लिए कपड़े चूज करने के लिए? तुम खुद के लिए खुद कपड़े चूज नहीं कर सकते हो क्या? ओ और वैसे भी तुम तो बच्चे ही हो अपनी हाइट से, यू शॉर्टी। जिमिन, हे डोंट कॉल मी शॉर्टी। और ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत जोर जोर से हंसने लगा, जोंगकुक ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। जिमिन, जोंगकुक तुम मेरा दोस्त है या फिर उसका? हाँ
हाँ बेबी, लेट्स गो ऑन ए डेट। जोंगकुक, हे, मैंने तुम्हें बोला ना कि उसे बेबी मत बोलो। हाँ बी, ओके, नहीं बोलूँगा। ताई, माय डार्लिंग, लेट्स गो ऑन ए डेट। जोंगकुक और जिमिन हाथा। तभी हबी ने ताई की हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। और तभी जोंगकुक और जिमिन ने भी ताई की दूसरी हाथ पकड़ लिया। हबी, उसकी हाथ छोड़ दो, वो मेरे साथ जाएगी। जोंगकुक और जिमिन, हे, स्टॉप इट, वो हमारे साथ जाएगी। ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और इसीलिए ताई ने उन तीनों के हाथ अपने हाथों से छुड़ा लिया और तीसरी मंजिल की तरफ चली गई। और इस वीडियो के अगले पार्ट पर हम देखेंगे कि ताई तीसरी फ्लोर पर गया है जोंगकुक के लिए कपड़े चूज करने के लिए। और तभी कहीं से वहां पर जोंगकुक आ जाता है और उसे लेकर एक चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। ताई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जोंगकुक क्या कहना चाहता है। और तभी जोंगकुक अंदर से रूम की दरवाजा बंद कर देता है और धीरे धीरे ताई के करीब जाने लगता है। अगले पार्ट पर हम देखेंगे कि कैसे जोंगकुक ताई को रोमांटिक पनिशमेंट देता है, वो कैसे ताई के साथ रोमांस करता है, और ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट पर। बाय बाय।